morning, everybody. Myself Abhyanand from Gyan Bhandara Motivation Classes. And today, a very important topic, very amazing, very interesting topic we are describing, we are explaining. So, watch this video till end very carefully. हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है वो केवल स्टूडेंट केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बिहार से बिलोंग करते हैं, जो इस भारत से बिलोंग करते हैं, जिन्हें थोड़ी सी भी बिहार से रिलेशन हो, थोड़ी सी भी संबंध हो बिहार से, जो बिहार को जानना चाहते हैं. और स्टूडेंट के लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन एनी टाइप ऑफ कंपटीशन ऑलवेज ए लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम बिहार. तो ये बिहार का एक इंट्रोडक्शन टाइप का है. इसके बाद हम एक एक करके सारा टॉपिक कवर करेंगे, जैसे बिहार का भूगोल अलग बनाएंगे, इंडस्ट्री का अलग बनाएंगे, रिवर का अलग बनाएंगे. लेकिन इस वीडियो में सारे का गिस्ट है, सारे का इम्पोर्टेंट जो भी है, सारे का मैं चाहा कि हाँ एक में जस्ट एज ए परिचय, बिहार का एक परिचय के रूप में इसको बनाना चाहा. तो देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत फुल ऑफ नॉलेज है. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान भंडारण मोटिवेशन क्लासेस. अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, लगे कि हाँ कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, 1% भी अगर आपको इससे फ़ायदा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. इट्स माय रिक्वेस्ट. और आगे भी शेयर कीजिए, जो भी इच्छुक हैं उनके पास भी जाए वीडियो, वो भी देखें, वो भी जानें. तो वी आर स्टार्टिंग ब्रीफ हिस्ट्री, वी कैन से. तो ये कंटेंट है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या बिहार के बारे में. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिहार पढ़ेंगे, बिहार का क्या है इंट्रोडक्शन, ओवरऑल ऊपर से हम लोग देख लेंगे कि बिहार में क्या है. उसके बाद बिहार में प्रथम, फर्स्ट इन बिहार कौन कौन थे, क्या थे, वो सब देखेंगे. बिहार का हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे बिहार अस्तित्व में आया. इम्पोर्टेंट रिवर इन बिहार देखेंगे, बिहार का कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेले हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी चलती है बिहार में, सेंसस के आधार पे, बिहार का जनगणना के आधार पे पॉइंट देखेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से है बिहार में ये देखेंगे, इंडस्ट्री कौन कौन सी है बिहार में ये देखेंगे, और लास्ट पर्सनालिटी, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी या तो बिहार या फिर भारत या विश्व में जिनका योगदान रहा है वो हम देखेंगे. तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कवर करना है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑन दी फोकस ऑन दिस टॉपिक. तो हम लोग बिहार का पहले, जैसे हमने बताया कि हिस्ट्री ऑफ सॉरी इंट्रोडक्शन टू बिहार देखेंगे. तो बिहार का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिहार इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, बिहार अस्तित्व में कब आया. तो उस दिन को हम लोग बिहार दिवस के भी नाम से जानते हैं, और वो 22 मार्च 1912 का दिन था जिस दिन हमारा बिहार अस्तित्व में आया, जिस दिन से इंडिपेंडेंट बिहार हम लोग कह सकते हैं कि ये काम करना शुरू किया. अब हम एरिया की बात करते हैं. तो एरिया बिहार का है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जिसका कि लेंथ 3345 असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कह सकते हैं, लेंथ है 345 किलोमीटर, और विड्थ की बात करें तो 483 किलोमीटर. ये भारत में 13वां पोजीशन में एरिया के हिसाब से आता है. और अगर एरिया की बात करें तो ये पूरे भारत के एरिया का 2.86% रखता है. अगर बिहार की शेप की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर इन शेप है, आयताकार इन शेप है. लैटीच्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लैटीच्यूड बिहार का है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट. अब किसी भी चीज़ का जैसे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे सराउंडिंग को पता रखना है. तो बिहार का भी सराउंडिंग हम लोग देखते हैं. तो बाउंड्री की बात करते हैं, ईस्ट में हमारा बंगाल है, पूर्व में बंगाल, इसको हम लोग हिंदी में बिहार की चौहद्दी भी बोलते हैं. वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ में हम लोग नेपाल को देखते हैं, और साउथ में झारखंड देखते हैं. इसको हम एलोबरेट करेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा बाउंड्री का क्या है. तो ये देखिए, इस एरिया से ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारा सेक्टर जो है, एरिया है, ये नेपाल के बॉर्डर से टच करता है. ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो ये आपका वेस्ट चंपारण का बाउंड्री
गोपालगंज, सीवान, थोड़ा सा सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये थोड़ा सा रोहतास, ये बाउंड्री सारा उत्तर प्रदेश में टच करता है। ठीक उसी प्रकार झारखंड की बात करें तो झारखंड रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर यहाँ तक और कटिहार यहाँ तक का ये जो है वो झारखंड से टच करता है, और रेस्ट जो इधर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये जो है ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से टच करता है। तो हम लोग ये देख लिए कि यहाँ ये बाउंड्री क्या है। अब हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में 38 स्टेट हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार मैप पे देख लेते हैं, ये हमारा टोटल स्टेट है और स्टेट का राज कैपिटल भी जो कह सकते हैं वो है, तो चंपारण का बेतिया में है। ठीक उसी प्रकार सारा सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, मधुबनी का मधुबनी, सुपौल का सुपौल, अररिया का अररिया, किशनगंज का किशनगंज। तो इसी तरह से ये टोटल अगर काउंट करेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं इन बिहार, तो इतना तो टाइम दे नहीं पाएंगे। तो हम लोग ये ओवरव्यू देख लिए कि हाँ इस तरह का मैप है, आयताकार मैप है बिहार का, और इस तरह का ये 38 स्टेट कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, ये मुंगेर आपका हो गया, खगड़िया हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल है। तो इसी प्रकार ये बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग में डिवीजन और प्रमंडल होते थे, अभी भी है लेकिन अभी इसका थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हम लोग को याद है कि बचपन में ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था और अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन कहीं कहीं कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं टोटल 9 प्रमंडल है। पटना है, ये पटना का पूरा रीजन है इस कलर का। तिरहुत है, इसको तिरहुत बोलेंगे, ये है। सारण है, तो ये सारण का पार्ट हो गया। मधुबनी है, ये सॉरी दरभंगा का ये हो गया पार्ट, ये आपका कोसी हो गया, ये पूर्णिया हो गया, ये भागलपुर हो गया, ये आपका मुंगेर हो गया, और ये आपका मगध हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मगध है, अगर प्राचीन काल से देखेंगे तो मगध का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है बिहार में, इम्पोर्टेंस रहा है, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू देखते चल रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ इसको एलिबोरेट करके पढ़ेंगे कि हाँ मगध का क्या क्या इम्पोर्टेंस, कब से क्या अस्तित्व में आया, उसके पहले क्या था, बाद में क्या आया, वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी हम लोग सब डिवीज़न की बात करते हैं। ये तो प्रमंडल हो गया, ये सब डिवीज़न अनुमंडल हो गया, तो टोटल बिहार में 101 अनुमंडल हैं। अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक जिसे प्रखंड कहते हैं तो वो 534 टोटल ब्लॉक हैं बिहार में। पॉपुलेशन की बात करें, अगर करंट पॉपुलेशन की बात करें तो 12,47,99,926 ये अभी का डाटा है, और सेंसस के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि सेंसस 2011 में ही हुआ था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे सेंसस के हिसाब से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीट हैं, जिसमें एससी का 6 रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। राज्यसभा सीट है 16 बिहार में, विधानसभा सीट 243 है जिसमें 40 एससी के लिए रिजर्व है। यहाँ दोनों तरह का ये है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, विधान परिषद का 75 सीट्स हैं यहाँ पे। और स्टेट लैंग्वेज पहली जो है हिंदी है और दूसरी उर्दू है। बर्ड की बात करें, पक्षी की बात करें तो गोरैया यहाँ का स्टेट बर्ड है, और फिश यहाँ मांगुर मछली मांगुर है, जानवर बैल को यहाँ का ये है। फ्लावर की बात करें तो ये गेंदा मैरीगोल्ड जो है, फ्रूट मैंगो, प्लांट पीपल का, रिवर गंगा, स्टेट साइन बोधि ब्रिज, जैसे अशोका है वैसे ही बोधि ब्रिज है, और यहाँ एक पर्व है महापर्व के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा। तो ये हमने देख लिया ओवरऑल ओवरव्यू। अभी हम लोग देख रहे हैं अभी जो करंट की सॉरी अभी जो स्टार्टिंग से हम लोग अभी देख रहे हैं, तो हम लोग अभी फर्स्ट इन बिहार देखेंगे। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे, फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर श्रीमती राबड़ी देवी, फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला प्रसाद शास्त्री, अभी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है श्री नीतीश कुमार जी हैं, फर्स्ट गवर्नर ब्रिटिश इंडिया में सर जेम्स डेविड सिफोन, एंड फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस श्री जयराम दास दौलतराम। गवर्नर ऑफ बिहार जो करेंट है राज्यपाल फागू चौहान हैं, श्री फागू चौहान जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना, न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के
आज़ादी से पहले के, तो एडवर्ड चैमियर एंड पटना हाईकोर्ट के जो पहले न्यायाधीश हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद के, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा हैं, पहले महिला चीफ जस्टिस पटना न्यायालय के जस्टिस रेखा दोषी, पहली जो यूनिवर्सिटी है एंशियंट यूनिवर्सिटी प्राचीन विश्वविद्यालय वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो मॉडर्न नवीन आधुनिक जो यूनिवर्सिटी है वो पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार की पहली प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर भारत बंधु एंड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड। अभी तक तो हमने देख लिया फर्स्ट इन बिहार, जो ओवरऑल एक ओवरव्यू था। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार की, तो मोटा मोटी तो इतना ही हिस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको इलोबरेट करना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग कह सकते हैं कि बिहार बिहार क्यों है, बिहार का बिहार नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। तो ये बौद्ध रिलीजन में दो टर्म है, बिहार और चैत्य। तो बिहार बौद्ध के रहने का स्थान को बिहार कहा जाता है और पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। तो यहाँ बौद्ध के बहुत सारे रहने के स्थान थे, मठ थे, तो इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा में हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 1576 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था और उसके बाद ये बंगाल का एक पार्ट बन गया। तो आफ्टर मुगल साम्राज्य डिक्लाइन, मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ तो बंगाल के नवाब ने, जो कि मीर जाफर मीर कासिम ये सब थे, इनके हाथ में चला गया। और ये फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो 1905 में ये लॉर्ड कर्जन को इसके लिए दे दिए, मतलब कर वसूली के लिए। फिर वहीं से 1906 की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मोहन नारायण ने पृथक बिहार की मांग की, जिसे 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, जिसके सेक्रेटरी फारुकुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग करने का मांग किया गया। फिर 12 दिसंबर 1911 की बात करें तो दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें कि इसे डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन उस समय एक और पॉइंट निकला कि बिहार और उड़ीसा दोनों को पृथक करने की बात स्टार्ट हो गई, जो कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो ये बिहार अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा सेपरेट राज्य बन गए, स्टेट बन गए। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। झारखंड जो कि बहुत ही रिच हैं सारे कुछ में, आपका ये माइनिंग देख लीजिए, पठार, ये सब सारे कुछ झारखंड में ही चला गया, तो बिहार के पास मोटा मोटी कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो ये था इन शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ बिहार। हम दूसरे वीडियो में पूरा अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, प्राचीन, उसके बाद एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, सब पूरे इतिहास में हम लोग देखेंगे बिहार के कहाँ से चर्चा हुई, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो अभी के लिए हिस्ट्री ऑफ बिहार में इतना ही। अभी हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट रिवर इन बिहार, बिहार में जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं गंगा रिवर, जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। तो गंगा रिवर की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए आरा, पटना, छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, और उसके बाद ये बंगाल में निकल जाती है और फिर आगे बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है। उसके बाद इसके गंगा के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, धांधर, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको समझने के लिए हमने एक मैप भी लगा रखा है। तो ये देखिए हम लोग का ये जो गंगा है, यहाँ से जो निकल रही है, जो आरा में यहाँ इन कर रही है, आरा से होते हुए यहाँ आपका पटना, बेगूसराय, बेगूसराय से लखीसराय, भागलपुर होते हुए इधर फिर ये निकल गई यहाँ।
तो ये आपका गंगा है। उसके बाद फिर देखिए छोटा छोटा, देखिए सोन, सोन सासाराम से आया अरवल, अरवल से फिर पटना में यहाँ टच किया। आपको पुनपुन की बात करें तो ये औरंगाबाद से होते हुए जहानाबाद होते हुए यहाँ पे आके जहानाबाद में ही मिल गया इस, ये कौन से में, फल्गु में, फल्गु जो कि गया में है, गया में आके फिर ये गंगा से मिलती है आपको, गया से पहले ही गंगा में मिल जाती है ये, सॉरी फल्गु, फल्गु तो गया में ही मिलती है और गया की फल्गु इम्पोर्टेंट नदी है, इसी में जो पितृपक्ष मेला होता है इसी के किनारे में सारे मंदिर ये हैं, सारे पितृपक्ष वाला जो सब कुछ लगता है ये फल्गु नदी के ही पास है। धांधर की बात करते हैं, यहाँ पे बदुआ है, घूरी है, आपकी महानंदा है, कोंकई है, कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, तो ये सब सब सारे डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कहाँ से इन कर रहा है और कहाँ पे आ जाके गंगा में मिल रही है। इस साइड को नॉर्थ साइड बोलते हैं और ये साउथ साइड है, गंगा के साउथ पार्ट और ये नॉर्थ पार्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इम्पोर्टेंट मेला इन बिहार, बिहार में मेला भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर साल लगते हैं बिहार में, तो कुछ इम्पोर्टेंट मेला का नाम है सिंहेश्वर स्थान का मेला जो शिवरात्रि में लगते हैं, मधेपुरा में लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट मेला है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इसका। मंडार का मेला मकर संक्रांति में बांका में लगाया जाता है। पितृपक्ष का मेला जो गया अभी जो बात कर रहे थे, पितृपक्ष का मेला गया में जिसमें पिंडदान होता है। जानकी नवमी का मेला सीतामढ़ी में जो चैत्र के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को ये लगता है सीतामढ़ी में। वैशाली मेला जैन रिलीजन के द्वारा लगाया जाता है, जैन रिलीजन का एक मेला है। सोरत का मेला मधुबनी में लगता है। सोनपुर का मेला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, हरिहर क्षेत्र का मेला, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पशु मेला है, ये हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं लैंग्वेजेज इन बिहार, बिहार में कौन कौन से लैंग्वेज है, तो सबसे पहले ऐसे हिंदी और इंग्लिश तो है ही, उर्दू है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन बिहार है वो भोजपुरी है, बहुत सारे क्षेत्र भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली और मगही, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लैंग्वेज है। फिल्म की बात करते हैं तो बिहार की पहली मूवी जो है वो पुनर्मिलन है, जिसके निर्माता थे भूपेंद्र नारायण सिंह। फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, भोजपुरी में जो पहली मूवी बनी वो बलम परदेसिया है। मैथिली की जो पहली मूवी है वो कन्यादान है, और मगही की जो पहली मूवी है 1964 में बनी मैया। अभी हम लोग सेंसस की बात करते हैं, सेंसस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पॉपुलेशन, अगर सेंसस की बात करें 2011 की बात करें सेंसस, तो पॉपुलेशन जो इंडिया का सॉरी बिहार का था वो 10,40,99,452 था, जिसमें मेल संख्या 5,42,78,157 और फीमेल 4,98,21,295। इंडिया तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसमें कि अर्बन 11% है और रूरल 88.6% है। अर्बन बहुत कम है, शहरी बहुत कम क्षेत्र है और ग्रामीण यहाँ बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भारत से भी बहुत ज़्यादा रेट से इसका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, 25.42% से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो थोड़ा सा कम है, 918 1000 व्यक्ति पे 918 महिलाएं हैं। जो सेक्स रेशियो है वो मैक्सिमम गोपालगंज का है और मिनिमम मुंगेर का है, मतलब मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो बैलेंस वाली है वो गोपालगंज की है और सबसे कम मुंगेर में है। एरिया वाइज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा शिवहर है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो डिस्ट्रिक्ट है वो पटना है और मिनिमम पॉपुलेशन वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो शेखपुरा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 63.82% है, जो कि कम है, भारत से अगर तुलना करें तो बहुत कम है, जिसमें कि मेल 71.20% है और फीमेल 51.50%, काफ़ी कम है। मैक्सिमम लिटरेसी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है, मिनिमम जो है वो पूर्णिया है। हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा जो अधिक वर्षा वाली जो डिस्ट्रिक्ट है जिला है वो किशनगंज है, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस इन बिहार, तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट बोधगया की बात करते हैं, बोधगया में देखते हैं क्या क्या है। तो बोधगया में है महाबोधि टेम्पल, ग्रेट बुद्धा स्टैचू, तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बुक स्टोर है, थाई मोनेस्ट्री है और बोधि ट्री बोधगया में है। ये गया का इम्पोर्टेंट साइट्स है। अब हम नालंदा की बात करते हैं,
नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस, ह्यूसेंग टैंग्स ह्यून संग मेमोरियल हॉल है, ग्रेट स्तूपा है, कुंडलपुर में द्वार है कुंडलपुर द्वार, नालंदा आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, पावापुरी में जल मंदिर है जो कि बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर में एक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में अशोक का पिलर, द अशोका पिलर, विश्व शांति स्तूप और बुद्धाज अस्तूपा अस्तूप, ये आपको वैशाली में मिलेंगे। पटना की बात करते हैं, पटना में गांधी घाट, पटना साहिब गुरुद्वारा जो कि गुरु सिख गुरु का ये है, आपका दसवें और आखिरी सिख गुरु के जन्म स्थान है। श्री कृष्ण सिंह साइंस सेंटर बिहार म्यूजियम है, गोलघर जो कि ऐतिहासिक है, और रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पटना गांधी मैदान के पास विश्वकुमार भवन है, इसमें एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। अभी हम लोग बात करते हैं सासाराम की। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सैलानी यहाँ आके इसको विजिट करते हैं। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में कपिलेश्वर स्थान है, सौराथ है, नगर फोर्ट है, उचैता है, भवानीपुर है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, देखने लायक जगह हैं मधुबनी में। सीतामढ़ी की बात करें जहाँ लॉर्ड राम की वाइफ पत्नी माता सीता का जन्म स्थान है, तो यहाँ भी जानकी मंदिर है, बहुत फेमस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। बक्सर की बात करें, बक्सर में भी फोर्ट किला, बक्सर किला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। ईस्ट चंपारण की बात करें तो केसरिया स्तूप ईस्ट चंपारण में ये फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवादा की बात करें तो नवादा में ककोलत जलप्रपात, जिसको कि मिनी काश्मीर भी बोला जाता है, बिहार का काश्मीर भी बोला जाता है। तो यहाँ का मेन है कि बहुत ठंडी पानी आती है, देखिए लिखा हुआ भी ककोलत जलप्रपात, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इस तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस इन बिहार हम लोग कवर किए। देखिए हम सारा टॉपिक अभी इन शॉर्ट ले रहे हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं, अगर एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं उस टॉपिक को भी एक एक टॉपिक को सारे को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन ये चैप्टर है बिहार का। अभी हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री इन बिहार। लोग कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली मुंबई गुजरात सारा भरा पड़ा है बिहारियों से। तो वास्तव में जिस तरह का पॉपुलेशन बिहार में है, जितना पॉपुलेशन उस हिसाब से इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री है बिहार में। तो कांच का बिहार में पटना में है इंडस्ट्री, तंबाकू का गया आरा बक्सर बिहार शरीफ मुंगेर, लेदर चमड़ी की बात करें तो मोकामा दीघा गया, उर्वरक की बात करें और थर्मल पावर स्टेशन तो वो बरौनी में है, सिंदूर लखीसराय का फेमस है, तसर रेशम भागलपुर में इसकी इंडस्ट्री है, पटाखे की इंडस्ट्री पटना सिटी में है, रेल इंजन जो रिपेयर मरम्मत का काज होता है वो जमालपुर में इसकी इंडस्ट्री है, रेल पहिया बेलापुर छपरा में बनता है, स्लीपर कोच की जो फैक्ट्री मधेपुरा में है, माइनिंग खनन उद्योग जो है औरंगाबाद में है, लो उद्योग गया में है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा में है, प्लाईवुड हाजीपुर में का फेमस है, हाजीपुर में उसकी इंडस्ट्री है, जूट और कॉटन की बात करें तो सहरसा दरभंगा चंपारण कटिहार और समस्तीपुर ये इंपॉर्टेंट है, कंबल की बात करें तो वो औरंगाबाद मोतिहारी पूर्णिया गया, हैंडलूम इंडस्ट्री वो पटना मुंगेर बिहार शरीफ गया में इसकी फैक्ट्री है, बर्तन की बात करें तो सिवान और बिहटा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस है, सीमेंट की बात करें तो बंजारी डालमिया नगर, कॉटन सूती जो इंडस्ट्री है सूती का इंडस्ट्री है वो गया पटना फुलवारी शरीफ में है, शुगर चीनी चीनी मिल की बात करें चीनी का उत्पादन का क्षेत्र हम लोग देखें तो मोतिहारी मुसगौली दरभंगा और सारण है, गोल्ड एकमात्र स्वर्ण भंडार है जो कि करमटिया गांव मुंगेर में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थे बिहार में, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी इन बिहार। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी हुए हैं जो कि बहुत फेमस रहे हैं विश्व में भारत में, तो अभी हम उनकी चर्चा करेंगे एक एक करके। महावीर स्वामी जो कि जैन रिलीजन के संस्थापक थे, महात्मा बुद्ध बौद्ध रिलीजन के संस्थापक थे। तो देखिए बिहार कैसी धरती, मतलब दो दो रिलीजन को तो बिहार कह सकते हैं कि पैदा किया है।
फिर अजातशत्रु की बात करते हैं, जो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश के शासक जो रहे हैं। महापद्म नंद, उत्तर भारत के साम्राज्य निर्माता इनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के शासक रहे हैं और इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। अशोका, इनको कोई नहीं, कौन नहीं जानता है, ग्रेटेस्ट लीडर शासक रह चुके हैं ये। चाणक्य की बात करेंगे, एक नंबर के कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। सम्राट गुप्त, नेपोलियन ऑफ भारत इनको बोला जाता है। ये सारे बिहार से ही बिलोंग करते हैं। आर्यभट्ट, एक नंबर के मैथमेटिशियन और खगोलविद थे। शेरशाह सूरी, जो कि पहला जीटी रोड बनाए थे, ग्रैंड टैंक रोड, NH1 और NH2 को मिला के जो रोड है, जो बना है, उसे ही ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड कहते हैं। ये शेरशाह सूरी जो बिहार से ही हैं। गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें और लास्ट गुरु, जिनका कि ये आपका है रिलीजन, ये है पटना साहिब में है इनका गुरुद्वारा। कुंवर सिंह जगदीशपुर के लैंडलॉर्ड थे, जो कि 1857 में बहुत ही अपना एक अच्छा रोल ये किया था फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें कौन नहीं जानता, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष थे। राजकुमार शुक्ल, सत्याग्रह आंदोलन चंपारण के ये लीडर थे, नेता थे। इनके मतलब रिक्वेस्ट पे ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे। दीप नारायण सिंह पहले अध्यक्ष थे विधानसभा के। जगजीवन राम, इंडिया फर्स्ट श्रम मंत्री, भारत के श्रम पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। जयप्रकाश नारायण, इनको कौन नहीं जानता, लोकनायक के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में कहानी प्रसिद्ध है कि ये जब ये पटना कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और अभी जो आपको दिख रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब सारे इन्हीं के मतलब कह सकते हैं चेला हैं। इनके साथ ही सारे लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट किए। और इनका ऐसा था कि ये 1975 में एक्टिवली ये हुए, जब इमरजेंसी चल रही थी तब, उस समय से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और कहा जाता है कि ये जब अपने कॉलेज लाइफ में थे तो 20 दिन बचा हुआ था इनका एग्जाम में, और उसी समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो ये इतना मतलब डाइवर्टेड हो गए कि 20 दिन पहले एग्जाम छोड़ के और ये पार्टी ज्वाइन कर लिया और मतलब इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत BPSC का क्वेश्चन है कि कितने दिन पहले जयप्रकाश नारायण एग्जाम छोड़े थे, कितने दिन पहले, मतलब कितना दिन बचा था एग्जाम में। अभी बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, ये बहुत ही बड़े नेता थे। बीपी मंडल, मंडल कमीशन जो है वो बीपी मंडल के द्वारा ही लाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें, ये किसान नेता, बहुत बड़े किसान नेता थे। सुशील कुमार, इसे भी इन्हें भी सारे लोग जानते हैं क्योंकि ये भारत के पहले 5 करोड़ KBC के विजेता हैं। राहुल संकनितायन, इनको फादर ऑफ ट्रेवल लिटरेचर बोला जाता है, एक नंबर के घुमक्कड़ थे ये। कल किनकर दंत, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन एक बुक है जिनके ये लिखने वाले हैं, रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनको कौन नहीं जानता है, नेशनल पोएट्री हैं, राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रकवि के नाम से राष्ट्रकवि की उपाधि है इन्हें। फणीश्वरनाथ रेणु, ये नॉवेल मैला आंचल इनकी बहुत फेमस नॉवेल है जिनके रचयिता हैं। भिखारी ठाकुर, ये भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको फेमस करने में, उसको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अच्छे नेता थे। प्रकाश झा, जो अभी रिसेंट हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, गंगाजल, जो जितने राजनीतिक मूवी आती है, गंगाजल है, आपका परीक्षा भी एक आने वाली है, तो ये सब सारे मूवी के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, ये भी बिहार से ही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिहार, उस मायने में अगर हम देखें तो बिहार ना ऐसे ही, बिहार को ज्ञान की धरती नहीं कहा जाता है। बिहार में देखिए दो दो मतलब धर्म का यहाँ स्टार्टिंग हुआ है, जन्म हुआ है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विश्व में, भारत में अपना नाम बहुत ऊंचा कमा चुके हैं। तो ये बहुत पहले की चीज़ थी, अभी ये और बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में था। अभी इस वीडियो को हम यही अंत करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो। और ये इंट्रोडक्शन टाइप का था, इसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक पे हम लोग वीडियो अलग से बनाएंगे, अलग से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद। एंड अगेन वन रिक्वेस्ट, इफ़ यू हैव नॉट
लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल अप टू नाउ. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल सो दैट यू मी एंड अदर्स ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. थैंक यू. जय हिंद.